भाई का एक चैनल नहीं, पांच पांच चैनल है और पांचों चैनल मोनेटाइज है और यूट्यूब से एक रुपए नहीं कमाते हैं। दोस्तों अभी हम आए हैं मार्केट में, आप देख सकते हैं ये मार्केट है, ठीक है। मार्केट में आया हूँ और भाई का एक चैनल नहीं, पांच पांच चैनल है और पांचों चैनल मोनेटाइज है और यूट्यूब से एक रुपए नहीं कमाते हैं। और उनके भाई जो है, भाई साहब हमारे पर इंस्टाग्राम पे मैसेज किए थे और वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, वो अपनी प्रॉब्लम बता रहे थे किस तरीके से उनको बहुत ज़्यादा रो रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। तब मुझे लगा कि नहीं, उनके चैनल पर आना चाहिए, मुझे उनके एकेडमी में आना चाहिए। और आप देख सकते हैं ये इनका एकेडमी है, आप ये देख सकते हैं इनका एकेडमी है और अपने यूट्यूब चैनल पर पाँच साल से काम कर रहे हैं फिर भी यूट्यूब से एक रुपये नहीं कमा रहे। मैं भाई के पास चलता हूँ और आपको वो प्रॉब्लम दिखाता हूँ किस तरीके से उन्होंने जो गलती किया है। आप लोग गलती मत कीजिएगा भाई, मैं आपको हाथ जोड़ा हूँ, अगर आपने गलती कर दी है तो आप लोग यूट्यूब चैनल पर एक रुपये नहीं कमाएंगे और भाई साहब की तरह आप इसी तरह रोएंगे जैसे भाई साहब रो रहे हैं। क्या है भाई, क्या हुआ है, आप हमारी ऑडियंस बताइए, हमारी ऑडियंस आपको देख रही है। अरे रोइए मत भाई, भाई इतना दिन से मेहनत कर रहे हैं, पाँच पाँच साल से मेहनत कर रहे हैं, अभी पैसा नहीं आ रहा है यूट्यूब पे। भाई आप रोइए मत, पहले आप चुप हो जाइए और आप हमारे आइडियोज सही सही बताइए, आखिर आपने गलती क्या किया है और आपने इतना मेहनत करने के बाद, मैं आपका चैनल चेक किया हूँ भाई, इनके चैनल में पाँच साल से काम कर रहे हैं यूट्यूब पर, ठीक है, पाँच साल से भाई काम कर रहे हैं और यूट्यूब से एक रुपये नहीं कमाए। मैं भी इनके भाई के साथ मैं सोचा था कि बहुत पहले वीडियो बनाने के लिए, पर हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं था भाई, 50-60 सब्सक्राइबर था। जब मैं यूट्यूब चैनल पर लोगों को प्रमोट करने के लिए सोचा, मैं नए तरीके से काम करने के लिए चाहा, पर मेरे पास चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं था। आज हमारे चैनल पर 300 की यूट्यूब फैमिली हो चुकी है और मैं चाहता हूँ कि भाई के हर एक यूट्यूबर को, हर एक यूट्यूबर जो नहीं सक्सेस हो पा रहा है, मैं लोगों को चैनल को प्रमोट करने का प्रयास करूँ। भाई आप लोग हमारे आइडियंस को बताइए आपने क्या गलती की है और आप रोइए ना, ठीक है, आप रोइए मत, आपको अपने चैनल पर बताइए क्या गलती की है। भाई हम वीडियो बनाते हैं, हमको पता नहीं था कॉपीराइट पे पैसा आएगा कि नहीं आएगा, मैं बनाता चला गया, पाँच साल से भाई ने आया अब बताया। भाई साहब अपने YouTube चैनल पर पाँच साल से काम कर रहे हैं, ठीक है, पाँच साल से YouTube पे काम कर रहे हैं और हमारे जो गांव है, ठीक है, गांव में ये नहीं पता कि हमें, मुझे भी नहीं पता था कि YouTube पर सिर्फ वीडियो अपलोड करने से ही पैसा आता है, ठीक है। अब बाद में पता चला कि भाई गाना, जब जो गाना होता है, जो इनका एकेडमी है, भाई आप इनका एकेडमी देख सकते हैं और ये अपने एकेडमी के रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, ठीक है, डांस वीडियो का, ठीक है। आप लोग चैनल एक बार चेक कर लेना कि कौन सी गलती किए हैं। इनके चैनल पर आता है कॉपीराइट क्लेम, जिसके वजह से एक रुपये नहीं कमा पाए, जब घर वाले इनको बेघर कर दिए, घर से बोल दिए कि अब तुम घर पे मत आना, ठीक है, और जाओ अपना वही अपना एकेडमी देखो, कि क्योंकि भाई आपको पता है एक वीडियो को शूट करने में कितना समय लगता है। एक वीडियो को शूट करने में एक दिन लग जाता है, एक दिन एडिट करने में बहुत पैसा लगता है, पूरी रात भर जाग जाग कर वीडियो बनाते हैं, तब जाकर एक वीडियो तैयार होता है। और उस चैनल पर भाई अच्छा खासा इनके चैनल पर सब्सक्राइबर है और एक चैनल नहीं है भाई, पांच पांच चैनल चलाते हैं भाई साहब। और आपको पता है भाई यूट्यूब चैनल पर आना और यहाँ पर रिचार्ज करवाना कितना मुश्किल हो रहा है भाई, अगर जब तक आप पाँच साल से काम कर रहे हैं और पाँच साल से अपना रिचार्ज करवा रहे हैं, आप टोटल कर लेना भाई, महीने का अगर 700 रुपये का रिचार्ज करवा रहे हैं और पाँच साल का अगर जोड़ लेना कितना ज़्यादा पैसा हो जाता है। और भाई साहब इतना मेहनत करने के बाद अपने लोगों को फ्री में डांस सिखाते हैं भाई, फ्री में डांस सिखाते हैं, अगर जिसके पास पैसा नहीं है फ्री में पूरा सिखाने का प्रयास करते हैं कि इनके चैनल पर लोग आए और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। तो भाई आप कितना चैनल बनाते हैं और क्या क्या गलती की है? भाई हम पांच चैनल बनाए हैं, जो हमारे चैनल पांचों सब्सक्राइबर भी अच्छी खास है, लेकिन पैसा नहीं कमाते हो। एसएम फाइव डांस एकेडमी पे मेरा 7230 सब्सक्राइबर है और कॉपीराइट के बारे में पता नहीं था, शिवम ने आया बताया। भाई ये चैनल जो है, मैं बता रहा हूँ, इनके पास चैनल पांच पांच चैनल है, ठीक है। अब इन्हें ये नहीं पता था कि भाई यूट्यूब सर ये सब कॉपीराइट क्लेम पर खिलाफ है भाई, यूट्यूब के खिलाफ है, आप किसी का गाना नहीं ले सकते, ठीक है। इन्होंने जो इनका पहला चैनल है एसएम फाइव, पहला चैनल है तुम्हारा था जिस पर ये पाँच साल से काम कर रहे हैं, उस पर 7500 सब्सक्राइबर है और कितना वीडियो अपलोड किए हैं, 200 कुछ वीडियो अपलोड किया, 200 लगभग 250 वीडियो अपलोड कर चुके। और इस बार उसके बाद दूसरा चैनल है एसएम फोर चैनल, जिस पर उन्होंने 1500 से ज़्यादा वीडियो को अपलोड किया है, ठीक है। और इसके बाद तीसरा चैनल है एसएम थ्री चैनल, वो भी सब डांस ही है। और इन्हें ये नहीं पता है कि भाई यूट्यूब पर कॉपीराइट आएगा तो आप पैसा नहीं कमा पाएंगे, आप भी बर्बाद हो जाएंगे उसके चक्कर में, अगर आप एक डांस क्रिएटर हैं, ठीक है, जब तक आपके पास कोई सिंगर ना मिल जाए,
तब तक आप कोई डांस चैनल बना लीजिए, पर आप उससे फेस वैल्यू बना सकते हैं, ठीक है। भाई को बहुत सारे लोग जानते हैं पर यूट्यूब से अभी तक पैसा नहीं कमा पा रहे। जब तक आप पास पैसा नहीं है तब तक आपको कोई पूछने वाला नहीं है, ना तो घर वाले, ना तो आपके दोस्त, ना तो आपकी गर्लफ्रेंड, कोई भी नहीं पूछेगा जब तक आप पैसा नहीं कमाएंगे। आप सब पैसा है तो आपके पास सब कुछ है, ठीक है। तो आप इन्होंने जो गलती किया है आप लोग गलती मत कीजिए, ठीक है। हमारी ऑडियंस आपको देख रही है और आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। ये वीडियो आप लोग इतना शेयर कीजिए कि अंशु मौर्य के पास चली जाए, टेक चैंपियन सपोर्ट सर के पास जाए। मैंने गया था भाई के पास, मैं सर के पास गया हूँ और आप लोग देख लेना कि मैं सर के पास गया हूँ। और मैंने भी यूट्यूब चैनल पर 2 साल से काम किया हूँ, सिर्फ ब्लॉगिंग के लेकर। ब्लॉग चैनल में मैं पहले काम करता था पर मुझे उस पर रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैं सोचा कि अब लोगों को मुझे प्रमोट करना है, लोगों के चैनल को हेल्प करना है, तब जाके मैंने ये चैनल, न्यू चैनल बनाया है और मुझे इस पर बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। अगर किसी को भी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं उसके घर आके उसके चैनल को बताऊंगा किस तरीके से काम करना है, उसके चैनल को प्रमोट करने का प्रयास करूंगा। तो भाई का एक चैनल नहीं, 5-5 चैनल है। और भाई जो आपका एमएस टेकाट जो चैनल है उसका कितने फैन फॉलोअर्स है आपके? 2.5 लाख, मतलब तो 2.5 लाख फैंस है, 28 मिलियन लाइक है। अभी भाई के सपोर्ट से मैंने न्यू चैनल भाई ने बनाया और है, इनका जो ब्लॉग जो इनको जोश वाला चैनल है उस पर 2.5 लाख है, 2.5 लाख उनके फैन फॉलोअर्स है भाई का। अगर आज भी वीडियो डालते हैं कम से कम 3-4 लाख उस पर व्यू जाता है, ठीक है। उसके जो फैन फॉलोअर्स है 8 मिलियन है। पर भाई यही है कि यूट्यूब से एक पैसा नहीं कमा पा रहे, इनके घर वाले साथ नहीं दे रहे, तब मुझे लगा कि नहीं मुझे आना चाहिए भाई के पास। और आप देखते अपने स्टूडेंट को डांस सिखा के ये इतना बड़ी अपनी एकेडमी यहाँ पे गांव में इतनी बड़ी एकेडमी इन्होंने खोल रखा है, ठीक है। सिर्फ कैसे अपने यहाँ पर स्टूडेंट को डांस सिखा के। क्यों भाई आपने जब डांस सीखा कहाँ था आप ये बताइए, क्योंकि आप डांस कहाँ सीखे थे? और सबसे पहले एक मार्केट है मुंगरा बादशाह, और वहाँ पे मैंने डांस सीखा है, वहाँ पे अमित सर मुझे डांस सिखाए हैं। और आपको डांस से आप कैसे क्या दिमाग में आया कि आपने डांस अकेडमी खोल लिया, और आप क्या दिमाग में आया कि आपने डांस अपना डांस चैनल खोल लिया और आज पर उस पर 7,500 सब्सक्राइबर है? आप बताइए, रोइए मत, आप हमारे ऑडियंस बताइए आपको हेल्प मिलेगा। हम पहले पैसा से पहले मैं पढ़ना चाहता था, मेरे भैया हैं वो भैया बोले कि सबसे गांव में हट के करो, मैंने डांस हमको उन्होंने सिखवाया, खुद जाकर एडमिशन करवाया, फीस दिए और डांस मैंने वहां पे सीखा। उसके बाद सीखते सीखते भैया ने बोला एकेडमी खोलो, एकेडमी खोलो। आपने एकेडमी ऐसे खोल लिया कि कुछ प्रॉब्लम थी आपके पास, कुछ प्रॉब्लम थी कि आपके पास पैसा नहीं था, कि आप पहले सीखे नहीं कि सिखाने लगे? आपने क्या क्या गलती की है, आपने क्यों अपना एकेडमी खोला, उसके पीछे कुछ रीजन है? पैसा से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था, इतना ज़्यादा पैसा से प्रॉब्लम था कि मैं फीस दे नहीं पाता था। मैं एकेडमी खोला और मैंने कहा कि जो भाई बहन फ्री में सीखा मैं फ्री में सिखाऊंगा, जो पैसा देगा अपने आशीर्वाद से मैं पैसा लेके ही सिखाऊंगा। तो आपने जब एकेडमी, मैंने मुझे आपने उस दिन बताया था कि मैं एकेडमी इसलिए खोला हूँ कि हमारे जो टीचर हैं उन्होंने पैसे के लिए तुम्हें निकाल दिए थे। हाँ, हमारे टीचर ने हमें पैसे के लिए निकाल दिया, मैंने महीने का फीस नहीं दे पाया, मुझे बोले भाग जाओ आज बाद एकेडमी में मत आना, तुम पैसे वाले नहीं हो। जब ये भाई साहब जिससे एकेडमी में डांस सीख रहे थे, एकेडमी खोलने का मेन मकसद यही है, जो इनके सर है सिर्फ 500 रुपये के लिए अपने एकेडमी से निकाल दिए थे, क्या तुमने वो एक को साल का फीस नहीं दिया था? मैंने सब दिन का फीस दिया था, बस एक मंथ बाकी किया था अगस्त का, अगस्त में हमको निकाल दिया 15 अगस्त से पहले ही। भाई इनके घर पर जो प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम मुझे सब कुछ बताए हैं, इनके जो पिताजी हैं, पिताजी बीमार हो गए थे और इस वजह से एक महीने का फीस नहीं दे पाए, और इनके सर पवन सर थे ना, पवन सर इन्हें एकेडमी से निकाल दिए थे, जिस वजह से इन्हें अपनों ने एक नया अपना एकेडमी खोला है और इस एकेडमी में लोगों को फ्री में डांस सिखाने का प्रयास करते हैं। अगर किसी के पास पैसा नहीं है फ्री में डांस सिखाते हैं भाई, तो आप समझ सकते हैं भाई बहुत मेहनत की अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर। अगर यूट्यूब चैनल पर 7 पैसा आता है तो आप ये एकेडमी जो देख रहे हैं भाई, एकेडमी बहुत बड़ा हो जाता है और यहाँ पे लोगों को फ्री में डांस सिखाने का काम करते हैं। पर जाने दीजिए, आप जो अभी जो किस चैनल पर काम कर रहे हैं, आपको कोई चैनल बनाया है न्यू? अभी आपने बनाया है न्यू चैनल मेरा SM5 ब्लॉग, जो 300+ फैमिली हो चुका है और साथ ही साथ 22,000 से 23,000 व्यू जाता है हर एक वीडियो पे। तो चलिए ठीक है, आप लोग भाई अगर आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हैं
तो इन भाई के साहब तर गलती मत कीजिएगा, और इन भाई साहब को मैं पांचों आईडी अपने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से एक बार टच करके देखना कि भाई साहब कितना दिन से काम कर रहे हैं और क्या क्या गलती की है जिसकी वजह से यहां पे यूट्यूब चैनल पर एक रुपये नहीं कमाए, और आपने जो न्यू चैनल बनाया है उस पर प्यार मिल रहा है नहीं लोगों का? उसमें प्यार भी मिल रहा है, उस पर आप कॉपीराइट नहीं है। अब आपने कहा है कि हम उस पर पैसा आपको कमवाऊंगा और यूट्यूब से ही कमवाऊंगा। मैंने भाई जब इनका मैंने प्रॉब्लम देखा, बहुत दिन से मैं यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, जब यूट्यूब से एक पैसा नहीं कमा पाए तब मैंने बताया कि इनके डांस के बारे में और इनके जो गाना आता है उस पर बहुत अच्छा खासा इनका नॉलेज है, तो मैंने बताया कि ये बनाए थे SM5 ब्लॉग, ठीक है, ब्लॉग आपका कोई नहीं देखेगा, मैंने एक दो चार वीडियो अपलोड भी किए थे, मैंने बताया था आप इस पर वीडियो मत बनाइए क्योंकि नहीं तो आपका चैनल रैंक नहीं करेगा तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, इसलिए इन्होंने जब मैंने दिमाग बताया था, और इस पर आज एक वीडियो डालते हैं तो 13,000 व्यू आता है, 14,000 व्यू आता है, और सब्सक्राइबर की बात करें उस पर 200-300 सब्सक्राइबर है, ठीक है, फिर भी अच्छा खासा व्यू आ रहा है ना भाई। 15 दिन में 351 सब्सक्राइबर हुआ है और 50,000 टोटल भी हो गया है, क्योंकि हर एक वीडियो में 15-20 वीडियो डाला हूँ, अच्छे खासे व्यूजर्स भी जाते हैं। आप ऐसे ही भाई को यूट्यूब टिप टिप पर आप प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करता कि इनके भी जितने भी न्यू वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भाई को ज़्यादा से ज़्यादा न्यू चैनल पर सपोर्ट करने का प्रयास कीजिए, और इनका जो ओल्ड चैनल है डांस SM5 ब्लॉग उसका एक बार जरूर क्लिक करना और देखना कि कितना मेहनत करते थे और कितना अच्छा डांस वीडियो बनाते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अगर पसंद आया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।